कॉलेज से ग्रेजुएट किया था तो उस वक्त मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहती हूँ. लेकिन उस वक्त टीच फॉर पाकिस्तान का प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो अपने दूसरे साल में था, और मैंने सोचा कि अच्छा, ये MNCs और साबुन बेचने से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये मेरा उस वक्त थॉट प्रोसेस था. तो मैंने उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, मैं उसमें सिलेक्ट हुई, और फिर दो साल के लिए हमें एक सरकारी स्कूल में प्लेस किया गया, जहाँ आप एज अ 22-year-old एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे अभी स्कूलों का हाल क्या है और हमारे मुल्क के बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, उनके और उनमें जो सारा जो पोटेंशियल है वो किस तरह ज़ाया किया जा रहा है. अक्सर हमारे सरकारी स्कूल्स बहुत मिसमैनेज्ड होते हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग भी लगा, मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत इमोशनली मोटिवेटिंग भी लगा, और मैंने उस एक्सपीरियंस में बहुत सीखा. उसके बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि एजुकेशन ये सेक्टर है जिसमें मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, एंड इन द क्लासरूम इज़ वेयर आई एम हैप्पीएस्ट एज़ वेल. आई नेवर थॉट ऑफ पर्सूइंग टीचिंग या पर्सूइंग एजुकेशन, बट जब मैं बड़ी हुई तो मेरे कुछ रिजर्वेशंस स्टार्ट हो गए रिगार्डिंग आर एजुकेशन सिस्टम, एंड आई नेवर वांटेड टू बी द वन जो कि बाहर बैठ के सिर्फ उसकी बारे में बात करें. आई वांटेड टू बी इन द सिस्टम एंड डू समथिंग अबाउट इट, सो दैट्स व्हेन आई परसू टीचिंग. मैं क्लास 9th और 10th में पढ़ा करती थी, तो मैं अपने साथियों को जो मेरे उस वक्त के दोस्त और क्लास फेलोज थे, मैं उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी, और मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे सब यही कहते थे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ. तो उसके बाद से बस मुझे यही पता था कि मुझे टीचर बनना है, और टीचर बनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक बहुत बेहतरीन फैसला था जो मैंने किया. What made me choose teaching as a profession was my desire to make a difference in the society. So I think I always wanted to do something that brings a little change, though whether it is very visible or not, but it is something that makes a difference to the people out here. So I think that really brought me into teaching.